हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है तो चलिए आज हम बनाते हैं वाटरमेलन मोहितो, यानी कि एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, स्ट्रीट फूड की स्टाइल में मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने वाटरमेलन में चीरे लगा लेते हैं और इस तरह से इसको राउंड शेप में काट लेते हैं। अब एक स्पून की मदद से हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से मैं दोनों ही जो वाटरमेलन के पीसेस है इसमें से अच्छे से क्लीन करके इसे निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा निकला हुआ वाटरमेलन है इसे साइड में रख देना है। अब हम वाटरमेलन का जो कवर या खोल है उसे हम बाउल की तरह यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम इसके नीचे का जो है हल्का सा इसको फ्लैट कर देते हैं काट के, तो ये आराम से रख सकेंगे, ये फिर हिलेगा डुलेगा नहीं। अब हम वाटरमेलन के कुछ पीसेस ले लेंगे और दोनों ही जो कवर है उसमें इस तरह से डाल देंगे। 8 से 10 पीसेस मैंने लिए हैं। अब हम बचा हुआ जितना भी वाटरमेलन है उसे हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और उसका अच्छे से फाइन जूस बना देंगे। अब इसमें मिक्स कर देंगे हम आधा नींबू का रस, उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 चम्मच के आसपास। थोड़े से पुदीने की लीव्स डाल रही हूँ। अब इसे हम जूसर में डाल के जूस बना देते हैं। अब इसे सर्व करने के लिए हम हमारा जो बाउल हमने तैयार करके रखा है उसमें 2 स्लाइसेस नींबू के, थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे और इस तरह से हमारा जूस इसमें फिल कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसे फिल्टर करके ले सकते हैं। मैं स्ट्रीट फूड का टच देने के लिए इसको इसी तरह से यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है और बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमारा जो वाटरमेलन मोहितो है वो तैयार हो गया है। 2 आइस क्यूब के साथ इसे एकदम कूल सर्व कीजिए।